नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ पढ़ाई और जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। हम किसी भी प्रकार युद्ध या अशांति को समर्थन नहीं करते हैं। दोस्तों, इजराइल और ईरान मिडिल ईस्ट में स्थित दो ऐसा देश है जो कि एक दूसरे का बहुत ही बड़ा दुश्मन माना जाता है और हमेशा इन दो देशों के बीच काफ़ी मात्रा में तनाव लगा रहता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसराइल और ईरान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको काफ़ी हैरान कर सकती है। दोस्तों, एक तरफ ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुसलमान आबादी वाला देश है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल दुनिया में स्थित एकमात्र यहूदी आबादी वाला देश है। किसी एक ज़माने में ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से माना जाता था और यहाँ का पर्शियन एम्पायर पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल था, जबकि इसराइल का इतिहास अब्राहमिक धर्म और इसके लोगों से काफ़ी मात्रा में जुड़ा है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े तीन धर्म ग्रंथ बाइबल, तोरा और कुरान में भी इसराइल और इसराइल के लोगों का बार बार नाम लिया गया। एक तरफ इसराइल को जहाँ काफ़ी हद तक अमेरिका सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान को रशिया और चाइना बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्षेत्र के लिहाज से ईरान इसराइल से लगभग 80 गुना से भी अधिक बड़ा है और ईरान की आबादी लगभग 8 करोड़ है, जबकि इसराइल की आबादी सिर्फ 90 लाख के आसपास है। ईरान का अर्थव्यवस्था और यहाँ का कुल इनकम इसराइल से लगभग 5 गुना बड़ा है, लेकिन इसराइल एक विकसित देश होने के वजह से यहाँ के लोगों का प्रति आदमी इनकम ईरान के मुकाबले काफ़ी अधिक है। ईरान का सालाना प्रति आदमी इनकम जहाँ भारतीय 12.5 लाख रुपए है, वहीं इसराइल का प्रति आदमी इनकम सालाना 24 लाख से भी अधिक है। इसराइल का ज़्यादातर इनकम रिसर्च और डेवलपमेंट से आता है और ईरान का ज़्यादातर इनकम खनिज तेल के द्वारा आता है। इसके अलावा भी ईरान बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा माना जाता है। 2005 में अमेरिका के द्वारा परमाणु हथियार बनाने के लिए ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इसराइल को डर था कि दिन ब दिन ईरान इसराइल से काफ़ी ताकतवर एक देश बनता जा रहा है। ईरान का मिलिट्री पावर इसराइल के मुकाबले काफ़ी ताकतवर माना जाता है, लेकिन इसराइल का एयरफोर्स और टेक्नोलॉजी ईरान के मुकाबले काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। शिक्षा के मामले में इसराइल और ईरान दोनों ही देश को काफ़ी अच्छा माना जाता है और इन दोनों देशों में शिक्षित की मात्रा लगभग 90% से भी अधिक है। एक समय के दौरान ईरान को पूरे दुनिया में आर्किटेक्ट डिज़ाइन के लिए जाना जाता था और यह दुनिया का पहला वो देश है जिसने आर्किटेक्ट डिज़ाइन में गणित, जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल करा था। इसराइल में लड़कियां आसानी से छोटे कपड़े में घूम सकती हैं, जबकि ईरान में ऐसा करना एकदम से अलाउ नहीं करा जाता। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें।